खरगोन में टेंट हाउस और फोटोग्राफर संघ सड़कों पर उतरा और आत्मदाह करने की बात पर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें, कोरोना काल के बीच इन लोगों का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर बिगड़ती स्थिति को देखते हुए संघ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और आत्मदाह करने की बात करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गत वर्ष हमारा व्यापार व्यवसाय ठप हुआ और इस बार पुनः लॉकडाउन की स्थिति बनने के साथ टेंट हाउस, लाइटिंग, डेकोरेशन, बैंड, घोड़ा बग्गी, फोटोग्राफी, ये सब व्यवसाय ठप हो गए हैं और हमारे द्वारा लिए गए लोन की किस्तें लगातार बैंक द्वारा मांगी जा रही है। इससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। अतः हमें 50 व्यक्तियों से अधिक की अनुमति वैवाहिक कार्यक्रमों में देकर हमारे जीवन यापन को सुचारू करने हेतु प्रयास करें। इसी बात को लेकर हम सभी प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जगह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, समस्त व्यावसायिक संस्थानों द्वारा बैंकों से जो ऋण लिया गया है उसके ब्याज की माफी की जा रही है। महोदय, समस्त व्यवसायी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सभी प्रशासन द्वारा लागू किए गए कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए उक्त शर्तों पर व्यवसाय करने हेतु प्रदेश शासन भोपाल विषय कोविड संक्रमण काल के दौरान होने वाले विवाह समारोह में छूट प्रदाय करने बाबत द्वारा ये आज यहाँ पर विवाह समारोह संबंधित सभी जितने व्यवसाय हैं उन व्यवसायों से जुड़े सभी व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें खरगोन जिला टेंट एसोसिएशन से लाइट साउंड एसोसिएशन, डेकोरेशन, घोड़ी बग्गी, फोटोग्राफर, ढोल तासे, जितने व्यवसाय शादी विवाह संबंधित समारोह से संबंधित है वो सारे व्यवसाय यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। गत वर्ष जो पूरा लॉकडाउन में और कोविड के चलते प्रशासन ने जब शादी विवाह के अनुमतियाँ नहीं दी थी, पूरा सारे व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय बंद करते हुए शासन को पूरा सहयोग प्रदान किया था। गत वर्ष पूरी तरह से व्यवसाय बंद हो गए थे, तब भी हम लोगों ने ज्ञापन देकर मांग की थी कि जिन व्यवसायियों ने ऋण लेकर जो लोन चल रहे हैं उनके ब्याज माफ़ किए जाएं और उन्हें ऋण अदायगी में छूट दी जाए, मगर उसके बाद भी प्रशासन ने किसी तरह की कोई सहयोगात्मक कार्रवाई नहीं की। और आज इस बार से जब आज थी कि यह सीज़न जो चालू हो रहा है, इस सीज़न में हम लोगों को कहीं ना कहीं गत वर्ष के जो घाटे हुए हैं वो हम वापस कवर कर लेंगे, मगर फिर एक बार निर्णय लिया गया है कि 50 लोगों की अनुमति रहेगी। तो इस तरह के निर्णय से ये समस्त व्यवसाय बहुत निराश हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब तालाबंदी और रोड पर उतरकर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमने ये मांग की है कि अगर हमें छूट नहीं दी जाती है कि विवाह समारोह स्थल पर 50% संख्या नहीं की जाती है, हमें ब्याज में या ब्याज से मुक्ति नहीं दी जाती है या अन्य जो व्यवसाय हो रहे हैं उनमें हमें छूट नहीं प्रदान की जाती है, तो हम लोग प्रशासन के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी टेंट व्यवसाय, लाइट साउंड से संबंधित किसी भी तरह का ना प्रशासनिक कार्यक्रम करेंगे ना राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। और साथ ही हमने सामुदायिक आत्मदाह की भी अनुमति माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कैसे ज्ञापन के माध्यम से आज मांगी है कि अगर हम व्यवसाय नहीं कर सकते तो हमारे परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा और हमसे जुड़े जितने कर्मचारी हैं उनके परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी ने सामूहिक आत्मदाह की भी अनुमति मांगी है। क्या नाम लिखते हैं? रवि जायसवाल, जिला सचिव, खरगोन जिला टेंट एसोसिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।